दिया। आज की तारीख में शरद पवार साहब ने एनसीपी ने एक भी टिकट नहीं दिया। आज की तारीख में बीजेपी तो हमारा खुलेआम दुश्मन है और मोदी जी जो 2014 के इलेक्शन में जो वादा किए थे बिल्कुल उसके विपरीत काम किया। लोगों को चूना लगाने का भरपूर काम किया। मोदी जी ने एक नंबर का भगोड़ा आदमी है, वो भगोड़े को ये नहीं समझता है, माँ बाप की कदर नहीं समझती है, उसको औरत की कदर नहीं समझती है और दूसरी के औरतों को लेके इस्लाम के मजहब को लेके तलाकशुदा पे बयान देता है। खुद की औरत संभाले और औरत उसको नहीं है, उसको बच्चे नहीं है, वो आदमी बच्चों का दुख दर्द क्या समझेगा। जो आदमी को माँ बाप नज़दीक नहीं है वो माँ बाप की कदर करना क्या सीखेगा। जो आदमी देश चलाने आता नहीं देश चलाने वाला बन जाए, खाली आतंक करके हजारों मुसलमानों को कटवाया, हजारों मुसलमानों को उसने गुजरात में कटवाया खुलेआम गाजर मूली की तरह। इसके लिए हमको पूरी तरीके से एकजुटता होके दलित मुस्लिम क्रिश्चन पर प्रांतीय मराठा महासंघ की तरफ से हमने एक बेटे को कुर्बान कर दिया देश के लिए। हमारी अगर जान भी जाए तो कौम के लिए हमारी जान कुर्बान है और सबको हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, मुसलमान गाजर मूली नहीं है, मुसलमान वापरने वाली चीज़ नहीं है, मुसलमान आज तक इस्तेमाल करने वाली चीज़ बना और इस्तेमाल करके लोगों ने छोड़ दिया। मैं ये चाहता हूँ अपने मुद्दे पूरे मुद्दे हमारे पॉम्पलेट पे है, जो लोगों को MIDC में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हटा के पूरी तरीके से पुण्यकारी को परप्रांतियों को जो पढ़े लिखे लोग हैं एजुकेटेड लोग हैं नौजवान तबका है उनको नौकरी पे परमानेंट लगाएंगे। 5 MIDC हमारे हलके में आता है, 5 MIDC हमारे शिरूर मतदान में आता है, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों को 50,000 लोगों को हम लघु उद्योग चालू करके देंगे, MIDC का जॉब का काम भरपूर देंगे, 50,000 लघु उद्योग चालू हो जाएगा तो लघु उद्योग में अगर हर कारखाने में 20-20 आदमी काम करेगा, 25-25 आदमी काम करेगा तो उसके मुताबिक कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों को 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। माँ बहनों को अचार पपड़ लोंचा सिलाई कढ़ाई बुनाई ये काम देंगे और पूरे पूना में ये बहिष्कार करेंगे, बाहर का मालों को मत बेचो, हिंदी का माल बेचो, उसके ऊपर हम पूरी प्रतिबंध लाएंगे और अपना ही माल बिकवाएंगे और उसके लिए कौम के लिए उन्नति के लिए तरक्की के लिए जो 10,000 से कम कमाता है उसको पूरा बच्चे उनके पूरे बच्चे को एजुकेशन फ्री करवाएंगे। हर स्कूल में प्राइवेट स्कूल में हम 10% का आरक्षण मांगेंगे, अगर आरक्षण नहीं देंगे तो स्कूल को ताला लगाएंगे और स्कूल को आरक्षण लगाने का काम हम करेंगे और आरक्षण के साथ हमारी कौम में पिछड़े हुए ये तबके के लोग बहुत हैं। एजुकेशन के वजह से 10,000 कमाने वाला आदमी 3,000 रुपये का राशन, 1,000 रुपये का लाइट बिल, 2,000 रुपये का दूध सब्जी तरकारी, 1,000 रुपया 2,000 रुपया हॉस्पिटल का बिल, बेचारा कर्जा ले लेके थक जाता है और पढ़ाई तो नहीं कर पाता है, 10,000 रुपया टाइम में जमाए। ये मोदी ने खुलेआम चीटिंग किया है, खुलेआम नोटबंदी किया, खुलेआम दिन दहाड़े लूट लिया, कई हजारों आदमी लाइन में लगा के मार डाला, इसको फांसी देना चाहिए। ये लोगों की जो नोटबंदी किया इसको मोदी को आरोपी बना के जेल भेजना चाहिए। ये संविधान का पालन नहीं किया, संविधान का ये दुश्मन है, पूरी तरीके से दुश्मन है, ये सबको कुत्ता बना दिया, धोबी का कुत्ता बना दिया,
बिजनेसमैन को धोबी का कुत्ता बना दिया, बिल्डर को धोबी का कुत्ता बना दिया, शेतकड़ियों को धोबी का कुत्ता बना दिया, छोटे व्यापारियों को धोबी का कुत्ता बना दिया, आम नागरिक को उनका ईंधन का जो सुविधा था, गैस सिलेंडर बाटला LPG, जो रिक्शा चलती थी, गाड़ी चलता था, घर में जो चूल्हा जलता था उसको 1000 रुपए तक ले जाके पहुंचा दिया, सब्सिडी सबका कैंसिल कर दिया। ये हराम खोर को ये नहीं समझा ये क्या करना चाहिए, देश को कैसा चलाना चाहिए, इसको देश को चलाने की बिल्कुल कदर नहीं है। इसने पूरी तरीके से खाली 21 लोगों को फायदा पहुंचाया और उसने पूरी तरीके से पूरे आवाम को देश बांटने का काम किया। हम देश बांटने नहीं देंगे, ये हम प्रण लेते दलित मुस्लिम सिख ईसाई मराठा महासंघ ये प्रवचन लेता है, जब तक हिंदुस्तान है हम एक साथ है, जब तक हिंदुस्तान है हमारा तन मन धन सब कुर्बान है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।